Hi you guys, welcome back to my channel. This is me, Sanghamitra Mishra, and आज हम स्किन केयर वीडियो बना रहे हैं जो कि फुल्ली होम रेमेडीज से करेंगे हम. मतलब जो भी चीजें आपके घर पे अवेलेबल होगी वेरी इजिली उससे हम अपना स्किन केयर करने वाले हैं आज. सो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि ये जो भी मैं दिखा रही हूँ वीडियो पे इट मे नॉट यू नो सूट योर स्किन. एंड आप प्लीज अपना पैच टेस्ट कर लेना जिनकी भी सेंसिटिव स्किन है, उसके बाद ये फॉलो करना. सो दिस इज समथिंग यू नो I have been following since class 10th and it has actually shown good results on my skin. But अभी कुछ दिनों से यू नो मेरी जॉब ऐसी है कि I have to put on so much makeup, तो मुझे कभी कभी टाइम नहीं मिलता था. But I have started it again और मुझे मेरे स्किन पे इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे हैं. तो लेट्स नॉट वेस्ट अ मिनट एंड आई शो यू हाउ आई डू माई स्किन केयर एंड आई जस्ट होप इट हेल्प्स यू टू. ओके, सबसे पहले हमें अपने फेस को बहुत सारे पानी से धोना है. मैंने धो लिया ऑलरेडी. फिर दूसरा प्रोसेस है हमें स्टीम लेना है ताकि हमारे पोर्स खुल जाएं और जो भी डर्ट है वो सब बाहर आए. उसके बाद हम अपनी स्किन एक्सफोलिएट कर सकते हैं. देखो, स्टीम लेने के बाद हमारा जो थर्ड प्रोसेस है वो है स्किन एक्सफोलिएशन, जिससे कि हमारी डेड स्किन बाहर निकल के आने लगेंगी, जो भी डर्ट है सब. लेकिन जब भी हम ये स्क्रब लगाते हैं, कॉफी स्क्रब, जिसके ग्रैनुल्स होते हैं वो काफी हार्श होते हैं, तो एकदम जेंटल प्रेशर डाल के हमें अपने फेस पे इसको लगाना है. और बहुत से लोग इस स्क्रब में पैराशूट ऑयल डालते हैं या नारियल तेल डालते हैं. आई वुड सजेस्ट कि नारियल तेल अवॉइड करना, यूज़ करना, क्योंकि वो हमारे पोर्स को वापस बंद करने का, क्लॉग करने की कोशिश करता है. सो जस्ट अवॉइड एंड ट्राई टू पुट ऑलिव ऑयल प्रेफरेबली. इस कॉफी स्क्रब, कॉफी हनी ऑयल स्क्रब इज लाइक द बेस्ट स्क्रब बिकॉज यू नो इसमें तीनों जो इन्ग्रीडियंट है वो हमारी स्किन को टाइट रखने में, ब्लेमिशेस हटाने में, ग्लो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट. So just try to use it once in a week, even if you don't want to do this whole process. And जब ये हल्का सा dry हो जाए तो आप circular motion में इसको और थोड़ा सा पानी लगा के you can keep rubbing it in circular motions. मैंने अपना फेस धो लिया एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग दैट माई स्किन हैज बिकम लिटल सॉफ्ट एंड आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश. तो जो हमारा फोर्थ इन्ग्रीडियंट है बेसन एंड योगर्ट, ये उससे भी अच्छा है क्योंकि बेसन इट्स अ बेस्ट थिंग. ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है. मैं इसमें टर्मरिक भी डालती बट आजकल आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग टर्मरिक. मुझे अपने फेस पे ये चीज़ फील हुई थी कि मेरी स्किन थोड़ी डार्क हो रही थी टर्मरिक लगाने से. मे बी द टर्मरिक आई हैव इज़ फ्रॉम मार्केट, रेगुलर शॉप्स, जो कि अच्छा नहीं है. तो बट इफ़ यू हैव दैट टर्मरिक जो घर से आता है, जो आप खुद बनाते हो, तो फॉर श्योर यूज इट बिकॉज इट्स द बेस्ट. सो आई एम यूजिंग दिस फेस पैक ऑन माई फेस. इसको पूरे फेस पे अच्छे से लगा के मैं ये फेस पैक बना के थोड़ी देर फ्रिज के अंदर रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए. स्किन पे एक्सफोलिएशन के बाद ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. एंड या इसको लगाने के बाद इसको आपको 15 से 20 मिनट छोड़ना है. I'll see you in 15 minutes. तो मैंने अपना फेस धो लिया है एंड इसको पैक ड्राई करनी है, अपनी स्किन को पैक ड्राई करना है. बट आई वुड जस्ट सजेस्ट कि मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है, तो जब भी मैं सिर्फ बेसन और योगर्ट एंड टर्मरिक लगाती हूँ तो मुझे बहुत टाइट फील होता है. सो इफ़ यू हैव टू मच ड्राई स्किन लाइक मी, आप उसमें थोड़ा सा हनी डाल देना सो दैट आपको इतनी ड्राइनेस ना फील हो. अभी मैंने नहीं डाला तो मुझे आई एम फीलिंग लिटिल ड्राई ऑन माई फेस, बट दैट्स नॉर्मल. But whenever you get chance, just put honey on it. It will be a proper face pack for you. So let's go into our next step. So process के बाद मैं as a toner अपने face पे गुलाब जल लगाती हूँ. Obviously ये hydrated रखता है मेरे skin को because I have like extreme dry skin issues. So it helps me in keeping my face very hydrated. और ये आपकी skin के pH level को भी manage करता है. So गुलाब जल सूख जाने के बाद मैं अपना ऑलमोस्ट लाइक सेकेंड लास्ट या लास्ट स्टेप करती हूँ, वो है एलोवेरा जेल. मैं अपने स्किन पे एलोवेरा जेल लगाती हूँ और फिर आई जेंटली ट्राई टू मसाज माई स्किन, ऑब्वियसली टू कीप इट हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड. थोड़ा सा ही एक पूरी लेयर बना के अपनी स्किन पे. एंड दिस इज लाइक फॉर मी आई कीप इट एज माय ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप, क्योंकि इसके आधे घंटे या 10-15 मिनट्स बाद ही
मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करती हूँ एंड देन द होल स्टेप इज कम्प्लीटेड. सो आप चाहे ये एलोवेरा जेल जैसे ही सूख जाए, आप उसके बाद अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर जो भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है, ऑयली नॉर्मल ड्राई, उसके हिसाब से अपना फेशियल ऑयल या फिर मॉइस्चराइजर लगा दो एंड देन दिस स्टेप इज ऑल ओवर एंड योर स्किन इज सुपर सेक्सी आई वुड से. And yeah, this is it, my skincare routine which I have shared to you. I hope it helps, you know, and you get rid of all your acne, blemishes, and your skin is always feeling young. So thank you so much for watching this video. I hope this video helps. And if you want more such kind of videos, do let me know. And thank you so much for watching. Bye, take care.